ये है इंडार्क। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है गुड्डू फिरोज जी ने। तो फिरोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने चाचा जी की घटना हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं फिरोज जी की कहानी की ओर। जब मैं उड़ीसा के कालाहांडी रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी लेकर रवाना हुआ तो उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मालगाड़ी के अंतिम बोगी के साथ लगा मेरा गार्ड रूम रात के वक्त वैसे भी काफी डरावना लगता था, और डर उस वक्त कहीं ज्यादा लगता जब कभी मालगाड़ी किसी वीराने में खड़ी हो जाती। अभी हम लंगी घर से गुजरते हुए बड़े घने जंगल को पार कर रहे थे और मालगाड़ी भी अपनी पूरी रफ्तार में थी कि तभी अचानक ही ट्रेन की स्पीड कम होने लगी। तभी मैं गार्ड रूम से बाहर निकला ये देखने के लिए कि कहीं सिग्नल रेड तो नहीं हो गया, मगर देखने पर पता चला कि सिग्नल तो ग्रीन ही है। तभी मुझे लगा कि शायद कोई खराबी आ गई होगी, शायद किसी डिब्बे का एयर पाइप फट गया होगा। इतने में ही ड्राइवर साहब ने मुझसे वॉकी टॉकी पर बात करते हुए कहा, और रफीकुल जी जरा देखना कहीं किसी डिब्बे का एयर पाइप तो नहीं फट गया है। ड्राइवर के कहे अनुसार मैं मालगाड़ी के डिब्बे को एक एक करके चेक करने लगा। चूंकि ये मालगाड़ी 53 डिब्बों वाली थी तो मुझे सभी डिब्बों को चेक करने में अभी काफी वक्त लगने वाला था। रात के वक्त इस तरह मालगाड़ी के डिब्बों की जांच करना कोई आसान काम नहीं था, जब वो मालगाड़ी जंगल के बीचों बीच खड़ी हो। खैर, अब तक मैंने काफी डिब्बों की जांच कर ली थी और अब तक सब कुछ ठीक था। डिब्बों की जांच करते करते मुझे अब ठंड महसूस होने लगी थी। मुझे लगा कि शायद ये ठंड घने जंगल के कारण होगी। फिर जब मैं अगले डिब्बे की ओर बढ़ा तो ठंड से मेरी कपकपी छूटने लगी और साथ ही मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि सच में इतनी ठंड है या सिर्फ मुझे ही लग रही है। खैर, इतनी ठंड होने के बावजूद भी मैं बाकी डिब्बों की जांच करने के लिए आगे की ओर बढ़ा और अगले डिब्बे की जांच करने के लिए नीचे की ओर झुका। मैं उस डिब्बे की जांच करके उठ ही रहा था कि मुझे कुछ दिखा। जब मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो उस डिब्बे से कुछ टपक रहा था। मैंने उसे करीब से देखा तो वो खून था। फिर मैंने ऊपर की ओर देखा जहां से खून टपक रहा था तो मैंने पाया कि वहां पर एक इंसान का धड़ फंसा हुआ है जो कि फड़क रहा था। फिर उसी वक्त मैंने अपने ड्राइवर को इन्फॉर्म करते हुए बताया कि कोई ट्रेन की चपेट में आ गया है जिसका धर नीचे फंसा हुआ है। इस पर ड्राइवर ने कहा कि ठीक है, आप रुको, हम आते हैं। फिर जब मैंने बात करने के बाद वापस उस धर की ओर देखा तो वो वहां पर नहीं था। मैं ये देखकर हैरान था कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, कि तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई। मैं बिना सोचे वहां से चीखते हुए भागा। भागते हुए मैंने ड्राइवर को बता दिया कि यहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, अगर जान बचानी है तो जल्दी से मालगाड़ी निकालो। अब मालगाड़ी भी चलने लगी थी और मैं अभी भी अपने गार्ड रूम की ओर भागे जा रहा था। जैसे तैसे करके आखिरकार मैं अपने गार्ड रूम के डिब्बे में चढ़ ही गया और अब तक ट्रेन की स्पीड भी काफी बढ़ चुकी थी। उस जंगल को पार करने के बाद हमारी ट्रेन अम्बाडोला स्टेशन पर पहुंची। उस स्टेशन पर पता चला कि अक्सर उस ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन अपने आप रुक जाती है और फिर कुछ देर बाद अपने आप चलने लगती है। कहा जाता है कि उस जंगल के ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आकर काफी लोगों की जान चली गई है, जिस वजह से वो एरिया हॉन्टेड हो गया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमारे नेटवर्क 33 के फेसबुक पेज पर अपनी कहानी पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।